नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों अगर आप लोग का अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने कुछ सर्विसेज के चार्जेस को इंक्रीज करने का फैसला किया, जो कि लागू हो जाएगा 1 अगस्त 2021 से। इसके साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव किया, जो कि ऑलरेडी लागू हो गया है 1 जुलाई 2021 से। तो दोनों ही टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और आप लोग डोर स्टेप बैंकिंग का यूज करते हो, तो अब आप लोग को डोर स्टेप बैंकिंग के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। अभी तक ये फैसिलिटीज आप लोग को फ्री में दी जा रही थी, लेकिन अब आप लोग को 1 अगस्त 2021 से 20 रुपी प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। तो चलिए चार्जेस के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखिए, अभी तक डोर स्टेप बैंकिंग के लिए चार्जेस कोई भी नहीं लिया था, लेकिन 1 अगस्त 2021 से आप लोग को यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया INR 20 फॉर ईच रिक्वेस्ट पर कस्टमर, यानी कि प्रत्येक रिक्वेस्ट के लिए आप लोग को 20 रुपी प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि कैश विड्रॉल के लिए अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो उसके लिए 20 रुपी प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। कैश डिपॉजिट के लिए, चेक डिपॉजिट के लिए, चेकबुक रिक्वेस्ट के लिए, इसके अलावा मतलब कि किसी भी काम के लिए अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो फिर आप लोग को 20 रुपी प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे नीचे आप देखिए प्रोडक्ट वाइज इन्होंने भी बताया है कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए अकाउंट, अगर आप लोग न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो डोर स्टेप बैंकिंग के तहत, तो इसके लिए चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, यहाँ पे चार्जेस नहीं रखा गया है। लेकिन अगर आप लोग फंड ट्रांसफर के लिए अगर बुलाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तो विद इन IPPB, यानी कि अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट से किसी दूसरे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो तो भी उसके लिए चार्जेस लिए जाएंगे। अदर बैंक के अकाउंट में अगर आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हो तो भी उसके लिए 20 रुपी प्लस GST आप लोग को 1 अगस्त 2021 से चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप लोग सेंड मनी कर रहे हो, जैसे कि इसमें स्वैप इन स्वैप आउट, इस मैनेजमेंट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए, इसमें चार्जेस आप लोग को 20 रुपी प्लस GST देने पड़ेंगे। मैनेज बेनिफिशियरी, यानी कि बेनिफिशियरी मैनेज के लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोग बिल पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हो, जिसमें कि मोबाइल प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड, पोस्टपेड बिल पेमेंट के लिए इत्यादि अगर आप लोग करते हो, तो इसके लिए भी चार्जेस यहाँ पे रखे गए हैं 20 रुपी प्लस GST। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि प्रीपेड मोबाइल के लिए चार्जेस नहीं रखे गए हैं, पोस्टपेड और बिल पेमेंट के लिए ही 20 रुपी प्लस GST चार्जेस रखे गए हैं। बैलेंस इंक्वायरी के लिए चार्जेस नहीं रखे गए हैं। बैलेंस इंक्वायरी में आपका पासबुक आता है, व्यू बैलेंस, इत्यादि मिनी स्टेटमेंट, यानी कि लास्ट 10 ट्रांजेक्शन अगर आप लोग देखना चाहते हो डोर स्टेप बैंकिंग के तहत, इसके लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा भी और भी कई सारे चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे आप लोग को ये सारे ही जितने भी चार्जेस हैं वो आप लोग को दिख जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव किया, जो कि ऑलरेडी लागू हो गया है 1 जुलाई 2021 से। चलिए इसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए इन्होंने दो पार्ट में इसे विभाजित किया है। पहला, अगर आप लोग के अपने सेविंग अकाउंट में up to 1 lakh यानी कि 1 लाख रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो आप अभी आप लोग को करंट सिचुएशन में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो 2.75% पर एनम के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन 1 जुलाई से 2.50 यानी कि 0.25% की कटौती यहां पे की गई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक अगर आप लोग बैलेंस रखते हो तो यहाँ पे 2.75% का आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, वही आप लोग को मिलता रहेगा 2.75% पर एनम के हिसाब से आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग 1 लाख रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करते हो तो यहाँ पे 0.25% की कमी की गई है, जिसके बाद आप लोग को 1 जुलाई से 2.50 पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा ही। मैंने आप लोग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां आई थी वो आप लोग को बता दिया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। इससे अति अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।